Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from new active English book. So please beta, open your book and go to the page number 18. Okay beta, this is your page number 18. आप देखिए आज हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है बट बट बेटा बट का कॉन्सेप्ट हम उन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं उनके बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले अपने इसी पेज को फॉलो करें, लुक एट नंबर 1. अब वो क्या कह रहे हैं, देर आर टू पर्सन्स इन द पिक्चर, एक आपके पास बॉय है और एक गर्ल है. अब क्या कह रहे हैं, नासिर इज टॉल बट उज़्मा इज शॉर्ट. अब आपने क्या देखा, वो बताते हैं नासिर इज टॉल. देखे उज़्मा से नासिर लंबा है तो हमने कहा वो टॉल है और उज़्मा शॉर्ट है यानी उसे छोटी है. तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, बट का यूज़ किया. फॉर एग्जाम्पल लुक एट नंबर 2, दिस बुक इज थिक बट दिस बुक इज थिन. अब दोनों में क्या डिफरेंस था, केक थिक है और एक थिन है, तो हमने यहाँ पर भी बट का यूज किया. दिस राइटिंग इज बैड बट दिस राइटिंग इज गुड. अब देखिए आपके पास दो तरह से राइटिंग है, एक अच्छी तरह लिखा हुआ है और एक गंदा लिखा हुआ है. तो हमने क्या कहा, दिस राइटिंग इज बैड बट लेकिन दिस राइटिंग इज गुड, लेकिन ये तो अच्छी है. इसी तरह लुक एट नंबर 4, दिस ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक बट दिस चॉक इज वाइट. अब आपने कलर से यहाँ पे कंपैरिजन किया, आपने कहा कि ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक है बट लेकिन चौक कैसा है, वाइट है. इसी तरह मैं आपको एक दो एग्जांपल्स खुद से दिखाती हूँ, आप उसको भी फॉलो करें. फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, आई हैव अ डस्टर एंड अ चौक. अब आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं द डस्टर इज सॉफ्ट. ये देखें, ये सॉफ्ट है, द डस्टर इज सॉफ्ट बट द चौक इज हार्ड. इसी तरह से बेटा मैंने अब टू चॉक्स ले लिए, अब आप कलर के साथ इनका कंपैरिजन कर सकते हैं. आप कह सकते हैं दिस चॉक इज येलो बट दिस चॉक इज ग्रीन. ओके बेटा, इसी तरह से लुक एट योर पेज नंबर 19. आपके पेज नंबर 19 में भी आप बट का ही यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस में, लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, आप इन एक्शंस को फॉलो करते हुए बट का यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में. फॉर एग्जांपल लुक एट नंबर 1, अब वो क्या कह रहे हैं, आप उज़्मा के बारे में सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं. वो कह रहे हैं उज़्मा कैन स्विम. अब उज़्मा क्या कर सकती है, शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है बट शी कैन नॉट राइड अ बाईसाइकिल, लेकिन वो बाईसाइकिल नहीं चला सकती. तो यहाँ पर हमने कैन नॉट का यूज़ किया, जो काम वो नहीं कर सकती और जो कर सकती है वहाँ पर हमने कैन का वर्ड यूज़ किया. ठीक है, अब हमने क्या कहा, उज़्मा कैन स्विम बट शी कैन नॉट राइड अ बाईसाइकिल. ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, जैसे वो कहते हैं सारा खान कैन सिंग बट शी कैन नॉट कुक. अब आपने यहाँ पे भी बट का यूज़ किया कि वो क्या कर सकती है, वो गाना तो गा सकती है लेकिन वो कुक यानी खाना नहीं बना सकती. इसी तरह से देखिए लुक एट नंबर 3, द मैन कैन कैरी द बॉक्स बट दे कैन नॉट कैरी द ट्री. अब वो क्या कर सकते हैं, वो बॉक्स उठा सकते हैं लेकिन वो ट्री को नहीं उठा सकते. अब हमने बट के यूज़ के साथ कैन और कैन नॉट का यूज़ किया. ठीक है, हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बे कैन ड्राइव अ बस बट, लेकिन वो ड्राइव तो कर सकते हैं एक बस को लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, बट ही कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, वो एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकते. इसी तरह से आप अपना बता सकते हैं, आप कह सकते हैं आई कैन राइड अ बाईसाइकिल बट आई कैन नॉट राइड अ मोटर बाइक. ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं बाईसाइकिल तो चला सकता हूँ लेकिन मैं मोटर बाइक नहीं चला सकता. या गर्ल्स कह सकती हैं कि मैं आई कैन वॉश डिशेस, मैं डिशेस तो धो सकती हूँ बट आई कैन नॉट कुक, लेकिन मैं पका नहीं सकती. इस तरह से आपने बहुत से सेंटेंसेस की खुद से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बेटा, अब आपने
पेज नंबर 18 और 19 दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बट के यूज़ के साथ, और जब आप एक्शन का यूज़ करेंगे तो आपने कैन और कैन नॉट का यूज़ कैसे करना है आपने इसका भी ध्यान रखना है। आपका लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है, अपना खूब ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।